हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ आईसीएसई क्लास 9th का थ्योरम्स ऑन एरिया। तो बच्चों, ये बड़ा ही प्यारा चैप्टर और बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपकी इस बुक का, और इस चैप्टर को हम बड़े ही मज़े में करने वाले हैं। तो ये आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा इसका इंट्रोडक्शन पता चल जाएगा। बड़े ही मज़े में हम इसको इंट्रोडक्शन करेंगे, और जब हम इस इंट्रोडक्शन को पूरा पढ़ लेंगे तो हमें लगभग लगभग सारी चीज़ें आ जानी चाहिए इसमें, ठीक है। तो मैं अपने थोड़ा सा मज़े में पढ़ाने वाला हूँ इसको, और थोड़ा आप भी मज़े में इसको देखिएगा। बिल्कुल, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है आपकी बुक में, आप देखोगे उस पर लिखा हुआ होगा एग्जाम ऑफ एरिया। अब ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको उसके जैसे मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे इंट्रोडक्शन में, राइट। और जो मैं स्टार बना रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको आपको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। तो ये स्टार पॉइंट है, इसको आप नोट करिए। इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट, देन द एरिया इनक्लोज्ड बाय दीज फिगर्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। एग्जाम ऑफ एरिया मतलब इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट देन द एरिया इंक्लोज बाय दीज फिगर्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या कि अगर मैं यहां पे दो फिगर बनाता हूं, लेट सपोज मैं यहां पे बनाता हूं, देखिए मैं यहां पर एक ट्राइंगल बनाया, दिस इज माई ए बी एंड सी, और मैं यहां पर एक और फिगर बनाता हूं जैसे कि पी क्यू आर, राइट। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इनका एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर होगा ही होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो आप ये क्या कह रहे हैं, इफ टू ट्राइंगल्स, इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट, अगर कोई भी दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उन दोनों का एरिया क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, ये पहला पॉइंट है, ये पहला की पॉइंट है हमारा जिसको मैंने स्टार बनाया है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं या कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रेंट हैं तो उन दोनों का एरिया क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। ये पहला पॉइंट है, ये आप लिख लीजिए। आते हैं हम अब सेकंड पॉइंट पे। तो बच्चों, अब जो सेकंड वाला जो की पॉइंट है जहां मैंने स्टार पॉइंट बनाया है, एडिशन एरिया एग्जायम, इसका मतलब क्या। लेट सपोज मैं एक फिगर बना देता हूं यहाँ पे, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ, ये देखिए मेरा एक फिगर बन गया, ठीक है। दिस इज आर वन, राइट, ये मेरा आर वन है, ठीक है। और यहां पे मैं एक और फिगर बनाता हूं, दिस इज माई आर टू, ठीक है। तो यहां पे जो आर वन का एरिया होने वाला है, देखिए एरिया ऑफ आर वन, और यहां पे हो जाएगा आर टू, मतलब ये होगा हमारा एरिया ऑफ आर टू। तो यहां पे इन दोनों का अगर मैं एडिशन करूं, इन दोनों का एडिशन करूं तो देखिए यहां तक तो ये रेक्टेंगल है, और यहां से यहां तक ये क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है। अब इन दोनों का अगर मैं ऐड करूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, इन दोनों का एरिया का एडिशन, राइट। तो इस पूरे फिगर को लेट सपोज मैं आर लिख लेता हूं, तो जो मेरा आर हो जाने वाला है वो होगा मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो जो मेरा एडिशन होता है मेरे बच्चों, जो मेरा एडिशन होता है, एडिशन एग्जाम इस पे लगता है,
कि भाई अगर मुझे इन दोनों फिगर को ऐड करना है, इन दोनों फिगर को जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके एरिया को जोड़ूंगा। ठीक है, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इन दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया तो ये पूरा फिगर ऐसे कर बन गया। लेट सपोज अगर मैं इस पे ऐसे भी करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो देखो मैं यहाँ पे एक और फिगर बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक रेक्टेंगल लगाया, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक ऐसे कर दूसरा फिगर बना दिया। ठीक है, ये ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है, ये ऊपर नीचे नहीं करेगा, ये बिल्कुल ऐसे चिपका रहेगा। और इस पे मैंने फिर एक और एक फिगर बना दिया ऐसे कर, ठीक है, ये चिपका रहेगा ऐसे। तो इन तीनों का एरिया जो होगा, अगर मुझे एरिया एग्जाम लगाना है तो इन तीनों का एरिया मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ये एक क्या है, मेरा रेक्टेंगल हो गया, ये भी मेरा रेक्टेंगल हो गया सेकंड वाला, और ये मेरा सर्कल होगा। तो मुझे इन तीनों का, अगर मुझे इस तीनों का ले लूं, तीनों का एरिया ले लूं, तो मैं इन तीनों का एरिया, इन तीनों का फिगर अगर मैं ऐड करूं तो इन तीनों का एरिया मुझे ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो मैं ऐसे करूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकंड प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो देखिए बड़ा ही इजी टॉपिक है ये, है ना। तो सेकंड वाला क्या था, एडिशन ऑफ एरिया एग्जाम। तो अगर मुझे कोई भी दो फिगर दे रखे हैं और उसको ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया का एडिशन होता है, उन दोनों का एरिया को ऐड करके मैं पूरा क्या कर सकता हूँ, एडिशन कर सकता हूँ, राइट। तो ये सेकंड पॉइंट था हमारा, ठीक है। ऐसे ही अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो बच्चों अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है, इक्वल फिगर्स। अब इक्वल फिगर्स को समझने के लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, बहुत प्यार से सुनो इसको। इफ टू फिगर्स आर कॉल्ड इक्वल, अगर दो फिगर इक्वल हैं, इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल एरिया, अगर दो फिगर इक्वल है तो उसका जो एरिया होने वाला है वो भी इक्वल होगा। तो सीधी सीधी बात ये है कि अगर कोई भी मैं दो फिगर लूं, वो इक्वल तभी कहलाता है जब उसका एरिया इक्वल होता है ना। तो ऐसे में देखो यहां पे दो एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पे देखो ये मेरा पहला फिगर है और यहां पे मैं एक और फिगर ले लेता हूं, ठीक है। अब ये दोनों फिगर मैं पहले नेम दे देता हूं इसको, ए बी और सी, ठीक है, और P और Q और R। अब ये दोनों फिगर इक्वल है कि नहीं है, अब ये मैं अभी नहीं बता सकता ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, पर पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अगर दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया अगर इक्वल है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों फिगर क्या है, दोनों फिगर इक्वल है ना। तो देखो यहां पर मैं अब करता हूं, यहां पर लेट सपोज मैं ले लेता हूं, यहां पर 4 BC मेरा 4 है, AC मेरा 3 है, राइट, QR मेरा 6 है, PR मेरा 2 है। तो इन दोनों का अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और यहां पे देखिए इसका मैं एरिया निकालता हूं, हाफ इंटू बेस है मेरे पे 4, हाइट है मेरे पे 3, तो ये हो जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे निकालूं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, यहां पे देखते हैं एरिया कितना आ रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस है मेरे पे 6, हाइट है मेरे पे 2, तो ये कट गया। यहां पर भी मेरे पे कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो इन दोनों का एरिया सेम आ रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो ABC है जो मेरा, वो PQR के क्या होगा, इक्वल होगा इन फिगर, राइट। तो मैं यहां पर सीधे सीधे क्या बोल सकता हूं, फिगर आर इक्वल मैं यहां पे बोल सकता हूं कि जो फिगर है आर इक्वल इफ एरिया इज इक्वल, अगर एरिया इज इक्वल देन फिगर इज ऑल्सो इक्वल, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इफ फिगर आर इक्वल इफ एरिया इज इक्वल, राइट। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, यहां से कंक्लूजन से मैं ये बोल सकता हूं कि भाई जो एरिया है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट, ये बोल सकता हूं। देखो दोनों का एरिया सेम नहीं है, देखो
तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। ठीक है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि एबीसी एंड पीक्यूआर आर इक्वल फिगर्स। तो मैं बोल सकता हूं कि जो एबीसी और पीक्यूआर है वो इक्वल फिगर का है। ठीक है, तो ये बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है इक्वल फिगर का, कि भाई दो फिगर तभी इक्वल होते हैं जब उनका एरिया इक्वल होता है। राइट, तो ये आपको आ गया समझ में। और यहां पे देखियो, यहां पे बहुत प्यार से देखना आप, इन ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है। देखो ध्यान से, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो देखो यहां पे आप इनको फिगर से ही पता कर सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट नहीं लग रहे। समझ में आ रहा है ना आपको? तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो तो वो उनका एरिया भी इक्वल हो, जरूरी नहीं है। उनके फिगर, उनका एरिया इक्वल होना जरूरी है। अगर दोनों का एरिया इक्वल है तो उनके फिगर भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या अभी कर लिया थ्योरम्स ऑन एरियाज में। अभी हमने क्या कर लिया कि अगर दो फिगर, अगर कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रेंट है, दो फिगर अगर कोई कॉन्ग्रेंट है तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। ठीक है, और एडिशन ऑफ एग्जामिनर, अगर कोई भी एक एरिया ऑफ स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर के साथ एरिया ऑफ मैंने रेक्टेंगल जोड़ दिया, तो उन दोनों का एरिया जोड़ के ही एडिशन ऑफ एरिया आ जाता है ना। तो ये हमने सेकंड वाला चीज देखी, और थर्ड वाली हमने क्या देखी, इक्वल फिगर्स का देख लिया है ना। तो आगे हम नेक्स्ट करते हैं।